लॉरस लैब पे सवाल पूछा, इन्होंने क्या लिखा है कि इनके पास 200 शेयर्स हैं लॉरस लैब के और 370 के प्राइस पे इन्होंने खरीदा है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए 370 के प्राइस पे खरीदा है, उसके बाद ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देख रहे हैं स्टॉक को, और अभी मेरी राय में भी यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले जब गिरावट देखने को मिली थी, एक डीप क्रैक देखने को मिला था, तभी भी स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, और अभी भी मेरा समझना है कि जब तक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ना जाए आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो 375 के स्टॉप लॉस से बने रही है, ऊपर की तरफ 405 से 410 का रेंज ब्रेक करेगा तब नए मूव में आपको 450 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, देहरादून से रवीन सिंह जी ने सवाल भेजा है, पीरामल फार्मा 130 पर उन्होंने खरीदा, अगर चार्ट देखा 130 का भाव उसमें अभी हाल फिलहाल में गया था क्या? 500 शेयर ले रखे हैं, क्योंकि ये जब अलग हुआ था उसके बाद काफी गिर के 70 रुपए तक गया था, फिर वहां से रिकवरी आई है, थोड़ा बड़ा चार्ट है। सरवीन जी, एक मानो जी 130 पर पीरामल फार्मा, तो देखिए पिरामल फार्मा में भी आई थिंक अभी बने रहना चाहिए, और क्योंकि कंसोलिडेशन, अगर आप रेंज देखेंगे तो ऊपर की तरफ 108 रुपए पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 95 के आसपास सपोर्ट दिखता है, तो जब तक 95 के लेवल ब्रेक ना हो उसके नीचे स्टॉक ना जाए, ये कहना कि स्टॉक में बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा तो वो थोड़ा जल्दी होगा। तो आई थिंक 94 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, अगर ये 108 110 के ऊपर निकलेगा तो वो एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद आपको 130 से 135 रुपए तक की रेंज देखने को मिल सकती है। ओके, डिफेंस बहुत चल रहा है आजकल, तो मयंक सराफ ने पोजीशन ली है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज में, 5,000 शेयर 120 में लिए, तो इनका सवाल इस पे नहीं है करंट पोजीशन में, इनका सवाल है क्या मैं और ऐड करूं, और 2 साल का नजरिया है तो करंट प्राइस पे ऐड करना चाहिए क्या? देखिए अगर आप निवेशक हैं तो आप करंट प्राइस पर भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मीडियम टर्म चार्ट की बात करें तो वो बेहतरीन लगते हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1250 सबसे पहले, और अगर 1250 के लेवल्स ब्रेक हो जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है, तो आपको अगर 1 साल का टाइम फ्रेम होगा तो आपको शायद 1350 और 1400 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो निवेशक के तौर पर आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, 940 का स्टॉप लॉस है, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है इसलिए खरीदारी करने की राय रहेगी। दो सरकारी कंपनी, एक डिफेंस रिलेटेड है और एक ऑयल मार्क ऑयल से रिलेटेड है, इंजीनियर्स इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ललित जी ने बड़ी क्वांटिटी ली BEL में, 9,200 शेयर्स 136.83 पर, और इंजीनियर्स इंडिया के 10,000 शेयर 142.69 पर, दोनों शेयर एकदम टॉप पे जाके खरीदे हैं इन्होंने। देखिए इंजीनियर्स, मैं एक्चुअली स्टॉक का एक मिनट चार्ट निकाल लेता हूँ, तब तक BEL की बारे में बात कर लेते हैं। देखिए BEL का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है नीरज जी, 20 मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है लगातार, मेरा समझना है कि जब तक 130 रुपए के ऊपर बना रहे आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक 145 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 175 रुपए तक के ट्रेड भाव देखने को मिल सकते हैं। तो क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है इसलिए BEL में आप बने रह सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया के मेरे मैच EIA लिखे तो आएगा। नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ नीरज जी, मैं भी नहीं देख रहा था। अच्छा ओके ठीक ठीक है, है, मिल गया मिल गया। मिल गया। तो देखिए इंजीनियर्स इंडिया की जहां तक बात है, यहाँ पर मेरे ख्याल से पिछले करीब 2 मंथ में हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, ऊपर की तरफ 160 165 पे रेजिस्टेंस है, उसी के साथ नीचे की तरफ 140 पे सपोर्ट भी दिखता है, इसलिए 140 रुपए के सपोर्ट से आप स्टॉक में बने रहिए, एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है, और अगर ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको भाव तो शायद 200 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो जो क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है इसलिए 140 के स्टॉप से आप बने रहिए स्टॉक। 140 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मनीषा कर्माकर ने एनी व्यू सजेशंस ऑन सेल जीमेल, मेरे ख्याल में गेल होगा ये, सेल गेल एंड ग्रेफाइट, सेल और गेल में बताइए आप, सेल और गेल क्या करना चाहिए? ठीक है, तो देखिए गेल का भी स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव लगता है, और ब्रेकआउट हमने 115 रुपए के ऊपर मीडियम टर्म चार्ट पे देख लिया, अब एक हर्डल है 130 रुपए के आसपास, पैटर्न पॉजिटिव है इसलिए मेरा समझना है कि शायद 130 के लेवल्स को ब्रेक करेगा स्टॉक और 145 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो 118 रुपए के स्टॉप लॉस से आप गेल में बने रही है। दूसरा स्टॉक आपने सेल बताया, राइट? सेल, हाँ देखिए सेल में भी मेटल में भी मेरा तो आउटलुक काफी पॉजिटिव है मेटल में, और मेरा समझना है कि 6 से 8 महीने का जो टाइम होगा वो शायद मेटल के लिए काफी बेहतर हो सकता है, और बहुत सारे स्टॉक चार्ट पे अच्छे लगते हैं, और उन्हीं में से सेल भी है, जहां पर हाई टॉप हायर बॉटम वीकली चार्ट पे आपको क्लियरली दिखेंगे, जिसके टारगेट 115 रुपए के आसपास ही आते हैं, तो पोजिशन बेसिस पे 87 रुपीज के स्टॉप लॉस से सेल में भी आप अपनी पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। ओके, ये इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, मानो जी एक जेनरिक सवाल है लेकिन उससे कई सारे सवाल हल हो जाएंगे, बहुत सारे लोग रेलवे स्टॉक्स के सवाल पूछ रहे हैं, किसी ने RVNL पे, राइट्स पे, इरकॉन पे, IRFC पे, क्या करना चाहिए इसमें? रेलवे स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेजी बनी है, सारे लोगों ने जो लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया उनका पैसा डबल ट्रिपल हुआ है, तो जी इन जनरल रेलवे स्टॉक्स में आपकी राय क्या है इस समय? देखिए, अगर बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनके नए टारगेट देना बहुत मुश्किल है नीरज जी, क्योंकि काफी ऊपर निकल गए हैं, जो पिछले हाइस थे उसके ऊपर निकल गए हैं, जो जो हम लोगों ने टारगेट प्रेडिक्ट किए थे उनके भी काफी ऊपर निकल गए हैं, लेकिन एक बेसिक सी चीज याद रखें, जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करते रहे, आई थिंक आपको इस रैली को राइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप राइड नहीं करेंगे तो शायद आपको एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा और फिर से एक नया ही बनते हुए दिखेगा, तो उसमें आप जो रैली है उसको मिस कर जाएंगे। बहुत बेसिक सी चीज याद रखिए, जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करते रहे आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिले तो वहां कॉशियस हो जाइए, और कभी भी प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिले तो आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए। ओके, ये है। अच्छा, कई लोग इसमें RR काबिल पे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि अभी आज ही तो उसकी लिस्ट हुई है, उस पर चार्ट भी नहीं बना होगा, तो मानस जी के लिए बड़ा मुश्किल है सवाल की कैसे उसको राय दिया, तो आपको किसी दूसरे शो में हम लोग रखें जहाँ पे फंडामेंटल राय हो। आज 11% अभी ऊपर दिखा रहा है, अच्छी लिस्टिंग हुई है इसकी, लेकिन इसकी राय यहाँ पे इस शो में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि चार्ट पे कोई चीज़ दिखेगी नहीं इस पर। दिनेश्वर पॉल का सवाल है, ICICI बैंक के 990 वाले स्ट्राइक प्राइस पर इन्होंने कॉल लिया है 15 रुपये की, क्या करेंगे?
तो देखिए जो दूसरे प्राइवेट बैंकिंग है, स्पेशली मैं एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूँ, वहां पे बिल्कुल ट्रेंड नेगेटिव है, इसको कोई डाउट नहीं है, पॉइंट लेवल्स ब्रीच हो चुके हैं, लेकिन आईसीआईसी बैंक में ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं बनाया। आईसीआईसी बैंक का जो ट्रेंड है वो अभी बुलिश बना हुआ है, 20 डे और 20 वीक दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन है, रैली देखने को नहीं मिली है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। इसलिए जो ऑप्शन आपने 990 वाला लिया है वहां पर आप बने रहिए, 13 रुपए के आसपास के उस ऑप्शन के भाव चल रहे हैं, आई थिंक उस ऑप्शन में आप बने रह सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 9 रुपए 90 पैसे के आप इस ऑप्शन में लगा के रखिए। आई थिंक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो ऐसे बैंक में एक अच्छी खासी रैली, करीब करीब 100 रुपए की रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो चांस लीजिए, 9 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इस ऑप्शन में बने रहिए और अपने टारगेट 25 से 30 रुपए की रेंज में सकते हैं। ओके, 9.90 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और लक्ष्य के कुछ दिन बाद ब्रेकआउट होता है, तो स्टॉप लॉस बहुत ध्यान रखिएगा, वो करिएगा। तरुण भवनानी ने वरुण बेवरेजेस के शेयर खरीद लिए 50, एवरेज प्राइस है इनका 916, एक साल के नजरिए चाहते हैं, एक साल तक रखें इसको क्या? एक साल के नजरिए से आई थिंक स्टॉक में आप बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें और मीडियम टर्म चार्ट पे देखें तो एक ब्रेकआउट प्राइस ब्रेकआउट हमें 850-860 की रेंज में देखने को मिला था, जिसके टारगेट 1000 रुपए के आसपास के आते हैं। तो नीरज जी बिल्कुल बने रहिए, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन है, तो 890 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है, 940 रुपए के ऊपर आपको 1000 रुपए तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग, अच्छा इस स्टॉक का पावर सेक्टर से बड़ा गहरा संबंध है, किसी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे जैसे पावर कंजम्पशन बढ़ेगा वरुण बेवरेजेस में तेजी आएगी, बाकी किसी करेंगे। खैर, जगप्रदेश यादव जी ने रिलायंस के 2420 की कॉल ली है 35 रुपए पर, आज मॉर्निंग में की थी, प्लीज सजेस्ट, आज सुबह लिया उन्होंने 2420 की कॉल। तो देखिए आज आप जो स्टार्टिंग थी मार्केट की उसमें एक डिप देखने को मिला रिलायंस की, लेकिन देखिए पॉइंट ये है कि उस डिप में 200 मूविंग एवरेज तो जस्ट स्टॉक ने टेस्ट किया और वहां से रिकवरी देखने को मिली है। तो अब आज का जो लो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है रिलायंस के लिए, और जब तक अब ये लो ब्रेक ना हो आपको रिलायंस में मंदी नहीं करनी है, तो आप अपने ऑप्शन में जो कि 2420 वाला ऑप्शन है आप उसमें बने रह सकते हैं, कॉल ऑप्शन में आप बने रह सकते हैं, 21 रुपए के आसपास के भाव चले हैं, वहां स्टॉप लॉस 15 रुपए का लगाइए, और अगर रिलायंस में रिकवरी देखने को मिलेगी तो आपको शायद यहाँ पर एक अच्छा खासा 50-60 रुपए का भाव देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस 15 रुपए का जरूर लगाइए इस ऑप्शन में। ओके, और इसके लिए आपको डिस्क्लोजर भी दे दूँ कि जो चैनल आप देख रहे हैं उसकी होल्डिंग नहीं की है, तो आप किसी और से भी एक राय जरूर ले लीजिएगा। जायद मोहम्मद ने लेमन ट्री खरीद लिए 550 शेयर्स 93 पर, एकदम अभी उनको तो हाल फिलहाल की बाई है इनकी, हालांकि अभी काफी फायदा हो रहा होगा इनको, एक साल के लिए होल्ड करेंगे लेमन ट्री, काफी आजकल फैंसी है स्टॉक की। तो देखिए बिल्कुल होटल स्टॉक्स चार्ट पे किसी भी नजरिए देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से, हर नजरिए से नीरज जी चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं, और लेमन टीवी उन्हीं में से एक है, जहां पर हमने 102 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देखा था, जिसके टारगेट 150-160 रुपए के आसपास के आते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बने रहना चाहिए, और 99 रुपीज के नीचे आपको स्टॉक लगाना है। ओके, एक एक क्वेश्चन क्विकली लेते हैं, बैंको प्रोडक्ट्स पर है, विवेक कुमार जी पूछ रहे हैं 226 शेयर है 516 के भाव पर, बने रहिए स्विच कर जाए किसी और शेयर में? बैंको इंडिया की, राइट, आपने बात की 463, ठीक है ओके। तो देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक कर ले तो बेहतर रहेगा, एक बड़ी रैली देखी है 180 से लेकर 540 तक की रैली थी, लेकिन अब स्टॉक लगातार 220 में गैप के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए एक बार यहाँ पर पोजीशन से निकले तो बेहतर रहेगा, और अब फ्रेश खरीदारी केवल 500 रुपए के ऊपर करेंगे। ओके, ये राय बन रही है बैंको प्रोडक्ट में हमें देखने को मिल रही है। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और आगे आपको एक टाइप और कनेक्शंस को लेकर एक ज्वाइंट वेंचर किया है जीएचईएसएल नाम से।